हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग किताब। मैं हूं सुष्मिता। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं लच्छा पराठा की रेसिपी। तो वेट नहीं करते हैं, चलो देखते हैं परफेक्ट लच्छा पराठा घर पर कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, आप पहले ही लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूँ का आटा, मैंने दोनों को ही सेम क्वांटिटी में ले लिया है, मैदा दोनों सेम क्वांटिटी में लेना है फ्रेंड्स, और स्वाद अनुसार नमक। आप चाहे तो थोड़ा चीनी का पाउडर भी मिला सकते हो, मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं मिलाया है। ये है दूध फ्रेंड्स, आप ना 1-2 कप जितना दूध ले लीजिए, अच्छे से मिला देना है फ्रेंड्स, अच्छे से मिला दीजिए, और बाकी का ना आपको पानी से ही मिलाना है। इस तरह से अच्छे से मिला दीजिए, जैसे आप आटा मिलाते हो ना उसी तरह से इसे भी मिला देना है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे परफेक्ट डो बनने के रेडी में है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, जैसे ही ये इस तरह से हो जाएगा हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ऑयल ले लेना है, थोड़ा ऑयल आपको ज़्यादा ही लेना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से रेडी हो सके। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल डालने के बाद में भी आपको अच्छे से मिला देना है, एकदम सॉफ्ट रहना है, इसमें कोई तड़क या तार जैसा लाइंस वगैरह नहीं आने तक आपको अच्छे से मिला देना है फ्रेंड्स। जितना अच्छा आटा मिलाओगे उतने ही अच्छे पराठे बनेंगे आपके। ये देखिए फ्रेंड्स, मिलाने के बाद इसे ढककर रख दीजिए, 10 मिनट तक इसे हम साइड में रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अभी हम इसे निकाल लेंगे। क्लीन सरफेस पर आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर, ऑयल डाल देके अच्छे से मिलाइए इस तरह से, और एक बार इस तरह से मिला लेना है फ्रेंड्स। आटे को अच्छे से मिला दीजिए। ये देखिए कितना अच्छे से क्लीन सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके एक में दो कर लेंगे। उसके बाद में ना क्या करना है, आपको आसानी होगी इसके डो बनाने में। ये देखिए, इस तरह से राउंड कर लीजिए, थोड़ा सा लंबा शेप में रख के, जैसे आप चपाती का आटा कट करने से पहले रखते हो ना उसी तरह से इसे भी कर लेना है। एक चाकू या हाथों की मदद से आप कितना साइज़ आपको चाहिए उतना उतना इसके लोई बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से, ये मेरे 8 पराठे बनकर रेडी होने वाले हैं। अभी क्या करना है इसे, ये देखिए हाथों से इस तरह से गोल कर लीजिए, और आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं लेना है, बस इसे बेलते जाना है। थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, आगे पीछे लगाकर अच्छे से बेल दीजिए। कोई शेप की टेंशन लेनी नहीं है, क्या भी नहीं गोल बनाना है, ऐसे कुछ भी रूल नहीं है, आपको जैसे भी चाहिए इस तरह से कर दीजिए। आपको मैं 2 टाइप्स में बताऊँगी। पहला ये है कि आप चाकू ले लीजिए और इस तरह से कट कर लीजिए आप। बहुत ही परफेक्ट बनेगा फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं जो स्टेप्स बता रही हूँ उसे फॉलो करिए। ये देखिए, उसी की मदद से धीरे धीरे इस तरह से कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा दबाना नहीं है आपको, जस्ट पुल फुले हाथों से ही, वो तो एकदम आराम से ही इसको करना है। ये देखिए कितने अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम दूसरा स्टेप कैसे करना है वो बताऊंगी मैं आपको, दूसरा क्या तरीका है इसे बनाने का। ये देखिए, मैंने ऑयल लगा लिया है, इसे भी जैसा आप चाहते हो उसी तरह से बेल देना है, लेकिन अच्छे से पतला बेल देना है फ्रेंड्स, एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा बेल लेना है आपको। ये देखिए, अभी क्या करना है, एक किनारा पकड़ना है और उसे इस तरह से कर लेना है।
ये देखिए ऐसे बीच में आपको ऐसे फोल्ड्स आना चाहिए, लच्छा लच्छा आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से होने के बाद एकदम हम पगड़ी कैसे बांधते हैं उस तरह से इसे राउंड करते हुए देखिए मैं किस तरह से बता रही हूँ, सेम उसी प्रोसेस में करिए, बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए इसी तरह से आपको सारे डो रेडी कर लेना है। आप चाहते हो तो और एक बार भी मैं कर कर दिखाऊंगी, ये भी देख लीजिए। ये देखिए फिर से मैं ये चाकू से कैसे कट करना है वही स्टेप आपको बता रही हूँ। ये देखिए मैं फास्ट फॉरवर्ड में बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले ही आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन और एक बार भी आपको बताना चाह रही हूँ ताकि क्लियर से समझ आए, इसलिए मैं ये फास्ट फॉरवर्ड में बता रही हूँ। ये देखिए ये चाकू से कट करके इस तरह से कर लीजिए। और एक ये दूसरा स्टेप है जो भी मैं ये भी मैंने पहले ही बता दिया है, देखिए इस तरह से आराम से कर लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए अभी आप सारे ही लोही को इस तरह से कर लीजिए। इसके बाद में हम बेलने के प्रोसेस में, ये देखिए एक लोही ले लिया है मैंने, उसे इस तरह से धीरे धीरे आराम से एकदम दबाकर नहीं बेलना है, धीरे धीरे ही बेलना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से निकाल कर साइड में रख लीजिए। और एक लोही लेके मैं बता रही हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा तेल लगाना है और धीरे धीरे एकदम मुलायम हाथों से ही आपको ये बेल लेना है फ्रेंड्स, दबा कर नहीं बेलना है, ध्यान रखिए आराम से बेलना है और थोड़ा सा थिक रखना है आपको। ये देखिए आप देख ही सकते हो इसमें कितना अच्छा लच्छे लग रहे हैं। अभी गैस पर एक तवा रख लेंगे, तवे के गर्म होने के बाद में हम ये बेला हुआ पराठा इस पर डाल देंगे फ्रेंड्स। अभी इसे अच्छे से सेक लेना है फ्रेंड्स। देखिए ये धीरे धीरे हो रहा है, अभी इसे एक बार साइड से उठाते हुए हम पलटा देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से कर लेना है आपको। अभी एक ना नरम कपड़ा ले लीजिए, रोटी का या किसी चीज़ का, उससे इस तरह से धीरे धीरे एकदम मुलायम हाथों से इसे प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए एकदम मुलायम हाथों से करना है। उसके बाद में तेल ऊपर डाल दीजिए और पलटा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लच्छेदार बनकर रेडी हो रहा है, आप देख सकते हो कितना ही प्यारा लग रहा है, एकदम बाहर मार्केट से ख़रीदा हुआ जैसे ही लग रहा है। ये देखिए मैं इस तरफ भी सेक लिया है और तेल डाल के इसे फिर से पलटा लूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो भी खाएंगे ना इसे छोड़ेंगे नहीं, ज़रूर बार बार खाते जाएंगे। ये देखिए ये दूसरा भी मैंने डाल दिया है, अच्छे से इसे सेक लेना है फ्रेंड्स, ज़्यादा तेज़ आंच पर रख कर नहीं और ज़्यादा मीडियम नहीं, नॉर्मल थोड़ा सा बढ़ाते हुए और कम करते हुए इसे सेक लीजिए ताकि अंदर ये कच्चा ना रहे। ये देखिए कितना अच्छे से बन रहा है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और फ्रेंड्स इसे इतना शेयर करिए कि आपको लगता है अगर ये अच्छा है रेसिपी तो इसे ज़रूर शेयर करिए आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी घर पर बनाना पता चल सके। ये देखिए फ्रेंड्स एकदम परफेक्ट बने हैं फ्रेंड्स। मैं इसके बाद में आपको ना ये बताती भी हूँ ये कितना ही परफेक्ट बने हैं, आप खुद देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पराठे बन चुके हैं, अब मैं आपको बताती हूँ इसे इस तरह से करने से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कितना ही परफेक्ट बने हैं फ्रेंड्स, आप देखिए पूरे लच्छे लच्छे सेपरेट निकल रहे हैं, पूरा सेपरेट एकदम सेपरेट मार्केट जैसा ही है, और लेकिन उससे भी कई ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये बहुत ही घर में बनाया हुआ सभी हाइजीन होता है, बहुत ही अच्छा होता है, ये घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए फ्रेंड्स अभी ये आप पनीर की सब्ज़ी
चिकन की सब्ज़ी या काजू बटर मसाला की सब्ज़ी के साथ आराम से खा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।